अब हम डिटेल में समझते हैं डेप्ट और इक्विटी में मेजर फर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट कंटेन्स, डेप्ट में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। ये हम डेप्ट में इंक्लूड करते हैं। अब डेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेप्ट्स आर रिस्की फॉर द कंपनी। डेप्ट्स क्यों रिस्की है कंपनी के लिए, एज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पे जो हमें इनकम मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, इट इज रिस्की फॉर द कंपनी एज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इवन इन ईयर ऑफ लॉसेस। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस, देन ऑल्सो द कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। आप सोच के देखो, हमने एक बैंक से लोन लिया जिसकी हम इंस्टॉलमेंट, हाँ जिसकी हम किश्त भरते हैं 20,000 रुपये महीना। हमारा बिजनेस अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रहा, सपोज लॉकडाउन हो गया, बिजनेस सारे बंद पड़े हैं ना, तो बिजनेस बंद पड़ा है, क्या बैंक ये कह देगा कि कोई बात नहीं आप हमें इंटरेस्ट मत दो, आपके बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है। इसमें तो काफ़ी बातें हुई हैं अभी लॉकडाउन में कि हाँ बैंक्स विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट, स्टिल दे आर चार्जिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो अब क्या हम बैंक से ये कह सकते कि नहीं नहीं हमारा बिजनेस में तो हमें लॉस हो रहा है, आप हमसे इंटरेस्ट चार्ज मत करो, ऐसा हो सकता है? नहीं, बैंक नहीं मानेगा, हमें बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और प्रिंसिपल अमाउंट भी लोन लिया है जितने भी अमाउंट का, हमें वो अमाउंट ऑफ लोन भी रिपे करना है, हमें इंटरेस्ट भी देना है। तो कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें रिस्क को कंट्रोल में रखना है तो हमें डिबेंचर्स कम लगाने चाहिए, क्योंकि डिबेंचर्स हमारे लिए रिस्की होते हैं। ठीक है, अब दो ही टर्म्स ले रही हूँ मैं, बाकी चीज़ें हम ड्यूरिंग द टॉपिक करते रहेंगे। एक मैं ले रही हूँ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम कहें तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, या दिस इज कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, अब ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ही विल ऑलवेज एक्सपेक्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको पता है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, ही विल ऑलवेज एक्सपेक्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा, तो सिंस दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन दैट ऑफ इक्विटी। ठीक है, हमारी कॉस्ट इक्विटी से कम होती है। तो मैंने आपको डिबेंचर्स का एक आउटव्यू दिया है, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है रिस्क के कंपाउंड में और कॉस्ट के उसमें। रिस्क डिबेंचर्स कंपनी के लिए बहुत रिस्की होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना है इवन इन द ईयर ऑफ लॉसेस। कॉस्ट के कंटेक्स्ट में बात करें तो
कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर. अब सिंस द डिबेंचर्स कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, कितना समझ में आया? नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी इक्विटी की कहानी. नाउ इक्विटी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स. ये मेरी इक्विटी में आते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी रिस्क की. रिस्क इक्विटी इज इक्विटी इज लेस रिस्की ऑनेस्टली कहा जाए तो नो रिस्क. ठीक है, स्टिल नो रिस्क आप लिखना मत अपनी नोटबुक्स में. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. इक्विटी इज लेस रिस्की फॉर द कंपनी. इक्विटी लेस रिस्की है क्यों? एज बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड डिविडेंड पेमेंट is not mandatory. Mandatory का मतलब compulsory नहीं है. हमें जो shares पे income होती है उन income को हम dividend कहते हैं. तो ये risky क्यों नहीं है? Because principal amount and dividend payment is not mandatory. इसमें मैं एक और line लिखना चाह रही हूँ जो आपको help करेगा. Short में लिखी हूँ equity share capital is not paid until the winding up of the company. जब तक कंपनी बंद नहीं होगी जब तक हम इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को उनका पैसा नहीं देते. रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता. इसमें हम कहते हैं हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड आर गिवन इन ईयर्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स. ये जो कहानी मैंने आपको बताई है डिबेंचर्स की और अब मैं जो इक्विटी की बता रही हूँ इसमें मैं कॉस्ट वाला पॉइंट और कवर कर रही हूँ. कॉस्ट कॉस्ट में हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिकॉज देयर रिस्क इज मोर and rate of dividend is not fixed. तो
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट. क्यों? बिकॉज देयर रिस्क, देयर किसकी बात कर रही हूँ मैं, शेयर होल्डर्स की बात कर रही हूँ. शेयर होल्डर्स का रिस्क ज़्यादा है, डिबेंचर होल्डर्स का रिस्क कम है. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता. कब तक कंपनी चलती है, कब तक हम पैसा भी वापस लेंगे. रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें पक्का नहीं पता. हम कहते हैं कि वी विल गिव हाई डिविडेंड इन ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट्स, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनी, तो यहाँ हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है. तो अब हमने बात करा डिबेंचर्स और इक्विटी के बारे में. ये जो चीज़ मैंने समझाई है आपको बहुत हेल्प करेगी थ्रू आउट द चैप्टर. आपने समझ के रखनी है, कोई डाउट होगा तो आप फिर अपनी नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो आप क्लास में पूछेंगे मुझसे, ठीक है. अब हमने देखा कि डिबेंचर्स रिस्की ज़्यादा हैं लेकिन डिबेंचर्स कॉस्टली कम है. एक मैनेजर यही चाहेगा ना कॉस्ट कम से कम हो, तो हम कॉस्ट कम करनी है तो हम डिबेंचर्स एम्प्लॉय कर लें. लेकिन डिबेंचर्स यूज़ करते ही हमारी रिस्क बढ़ जाता है. इक्विटी यूज़ करते ही रिस्क कम हो गया लेकिन कॉस्ट बढ़ गई. तो एक मैनेजर को बहुत सोच समझ के इनका मिक्स डिसाइड करना चाहिए कि हमें डिबेंचर्स यूज़ करने हैं या हमें इक्विटी यूज़ करनी है.